घूम जाओ। क्यों? घूम जा चल्ला का मासी, घूम जा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी कल मैंने टिंड खुद की है। पर क्या ढूंढ रही हो? मैंने बिल्लू रंग का संभाल के रखे हुए। कैसे हैं इसमें कपड़े? ये कितने पुराने? ये वो है, पीस है। संभाल संभाल के रखती रहती है, रखती रहती है। आज भी कराची में शदीद गर्मी है, 34, ये आप देखें। और पूरा हफ्ता जो है ना, मंगल को 35 तक भी जा सकते हैं, 36, 35, 36, बहुत ही गर्मी है। 34, 35 पे आपको पता है कि बहुत शदीद गर्मी होती है। अभी टाइम हो रहा है जी 1:57, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी इस वक्त जो है ना, कराची का वेदर कुछ बेहतर हुआ है, कुछ हल्के बादल आए हैं और धूप कुछ मध्यम हुई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। रमजानुल मुबारक, जिस जिसने रोजा रखा अल्लाह ताला उनके रोजे नमाजे कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर दिखाया है कि 36 तक जो है ना टेम्परेचर है, अभी कुछ मौसम था। आप पीछे हो ना, घूम जाओ। क्यों? घूम जा चल्ला का मासी, घूम जा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी कल मैंने टिंड खुद की है। तो जी व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं। ये पकड़ो पहले, राबिया पकड़ लो, मेरा हाथ दुख गया। राबिया कह रही थी कि आज जो है ना, मैं शुरू में ये पूछूंगी कि कौन कौन जो है ना अहमद को बगैर टोपी के देखना चाहता है, तो वो कमेंट आज लाजमी करें। जितने ज्यादा वोट होंगे उतना जल्दी ये कैप उतर सकती है, उतर सकती है। और डरना नहीं है, हमने कहानियों में सुना था कि माँ बच्चे को सुलाती है डरा कर के, सो जा बच्चा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं गब्बर नहीं हूँ भाई। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। फूक फूक फूक, वड्डी वड्डी फूक, वड्डी फूक, वड्डी 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 वड्डी। अच्छा ये जूस भी लेके आई हो है? पाकोला का कहा था ये वाला, लेकर मुकाबला ला ना तू। अब देखते हैं जी, कंपटीशन हो रहा है जी माँ बेटी का, कौन बड़ी बड़ा, कौन सी बड़ा गुब्बारा फूकती है। अक्सर हाँ वड्डा फूक, वड्डा माँ को वड्डा। हाँ हाँ, ऐसे नहीं, वैसे बड़ा फूकती ना बचपन में हम करते थे। अक्सर तू ही कर जी, मैं ये करनी भी है। अक्सर तो मुझे लगता है कि YouTube को टाइम कम ही दे पाओगी, क्योंकि ईद का सीजन जी शुरू हो रहा है, कपड़ों की सिलाई शुरू हो गई है, आज से बैठ गई है मशीन पे, अपने ही कपड़े सी रही हूँ। ये भी क्या, ये कटिंग कर रही हो? हाँ जी, ये कटिंग कर रही है। इसी का कपड़ा गुम हो गया ना थोड़ा सा, मैंने संभाल के रखा हुआ था, किसी का सूट किया। इसके जुगाड़ देखें आप, कि ये इसने बोर्ड लगाया हुआ है मेज पे और ये फट्टा यहाँ डाल के तो यहाँ बैठ जाती है, और इस छपरे के नीचे यहाँ पर ये हमारा पंखा जो है ये खराब हो गया है। ये पहले चलता था तो इसको हवा लगती रहती थी, अभी ये खराब हो गया। तो अभी क्या होगा राबिया? अभी जो हाल है पसीना में वही होगा, होगा वही जो मंजूर है खुदा को है। दुकान वाला तुम हो, तुम नहीं हो तो तुम दुकान पे क्या कर रहे हो? ये वाली लेस रबिया, ये वाली मैच कर गई है ना, बिल्कुल मैचिंग में। तो अभी लेस बेटा कौन देगा, आप दोगे? कैसे दिए ये? 8 रुपए गज ले लो फिर। कितनी कितनी चाहिए? ये 5 गज चाहिए। आ जाओ बेटा, 5 गज दो। वाह छोटे उस्ताद वाह, कितना हो गया? 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4, 3 हुआ। अच्छा 3 हुआ, हाँ, ये 4 क्या हो गया उस्ताद? छोटे छोटे सा हाथ हैं, छूट जाती है। 4, 5 कितने पैसे हो गए बेटा? 40 रुपए। तो जी माशाल्लाह ईद की तैयारियां जो हैं वो अरूज पे समझ लें कि आ गई हैं। मैडम साहबा ने आज मशीन रख ली है, और जैसे आपको दिखाया कि रील बटन वाली दुकान पे भी पहुंची हुई थी, वहां से सब सामान ले रही थी।
और ये अब मुझे एक बात बताओ, तुम किस किस को राजी करोगी ईद पे? ये तो मेरे ख्याल में वो इरम सिस्टर वाला सूट सी रही हो ना? हाँ जी, ये इरम सिस्टर वाला मैं सूट सी रही हूँ। और ये देखे, ये इसके लिए मैं लेकर आई हूँ पाइपिंग, आप खुद देखें कितनी मैचिंग कर रही है। अच्छा जी, वो जो हमारी बेटी ने भेजा था राबिया ने, तो वो सूट इसने स्पेशली तौर पे सिलने के लिए दिया है जी। वो गया वह सिलने के लिए बिलोची, मैं बन जाऊंगी ईद पे बिलोची। ये बलोचन टाइप का सूट जो है ना सिलवार, ये तो ईद पे हम कोशिश करेंगे कि जो है ना हर एक का सूट ये 10-10, 15-15 सेकंड जो है ना पहने। हाँ जी, ये क्या हुआ हाथ पे? अहमद, ये मैंने खाल उतारी है। आई 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 आई, मैंने इसको कहा है कि आई क्या हुआ? ये देखे, ये देख रहे हो कितना बुरा हाल हुआ है उंगली का। नहीं, मैंने इसको कहा है कि वो हमारे जो है ना गांव में एक टोटका होता था कि अगर कोई ऐसा हो जाए तो इसके ऊपर, मैंने कहा है कि प्याज भून के थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लगा दो ताकि ये नरम हो जाए। वसल खामन को ने मिल दे, ये आगता उंगली था बात चला। इतने महंगे प्याज हो रहे और मैं उंगली पे, बस इससे सही हो जाएगा। ये मैंने पूरा पैकेट मंगवाया सनी प्लास का। अच्छा, ये अभी तुमने कटिंग कर ली है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है कटिंग। ये इसके स्लिप्स हैं और ये मैंने यहाँ पे डालना है कपड़ा। ये इसकी बाजू है और ये, तो ये आज सिलाई नहीं करोगे? ये अभी मैं यहाँ पे आ गई अहमद, धूप, ये देखें ये धूप आ गई, जब मैंने मशीन रखनी थी वहाँ पर धूप आ गई है। कुछ कटिंग तो होगी कल इंशाल्लाह, सुबह ही बैठ जाऊंगी मैं सीने के लिए। एक घंटे में सिल जाएगा ये सूट, मैं खुद टेलर मास्टर हूँ। हाँ भाई, अच्छा हाँ, वो सिस्टर भी तो एक कह रही थी ना कि राबिया मैं तुम्हें कपड़े सी के दे दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो सिस्टर मेहरबानी आपका, आपने कहा कि मैं कपड़े सी दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। अहमद कह रहे थे कि अगर तुम कपड़े सीने बैठी तो वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा बनाऊंगी वीडियो, क्यों नहीं बनाऊंगी, यूट्यूब को भी टाइम दूंगी, अपने घर को भी टाइम दूंगी और अपनी गंजी को भी टाइम दूंगी। नाराज हो जाएंगे तुमसे काफी सारे व्यूअर। तो मैं गंजी वो कह रही ना जो मैंने कल आपको गंजा करा है। हाँ, नाराज हो जाएंगे फिर तुमसे। हाँ जी, नहीं होंगे, नहीं होंगे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, नहीं होंगे नाराज। प्लीज 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 नाराज नहीं होना, नहीं तो मैं फिर रो दूंगी। ये क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो? मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं मुझे नाक पे ना मक्खी बैठ रही थी, वो उड़ नहीं रही थी, हाथ गवारा नहीं था उड़ाने के, मैंने ये क्या वो उड़ गई। ऐसे कभी नाक के अंदर भी चली जाती है? देखें जी, मेरी कैप से अभी भी पानी, ये आपको देखें नजर आ रहा होगा, बिल्कुल कपड़ों के साथ ना आया हुआ हूँ, क्योंकि बस दुआ करें कि कराची का जो वेदर है थोड़ा बेहतर हो जाए। काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हवा चल रही है, लेकिन लू चल रही है, लू गरम गरम लू, वो क्या कहते हैं लू, जड़मकन की गहीन दिए ने, जड़मकन की गहिंगन हूँ, लुक चल दिए, लुक लुक चल दी थी, लू 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 के चल दी। हमारी अक्सा को रात कल से जी बुखार है अक्सा को, तो बस जो है ना दुआ करें कि अल्लाह ताला आओ मेरे मगरे मगरे आओ मेरे मगरे, उसको जो है ना अल्लाह ताला शिफा दे। और एक तो बच्चों ने कार्टून मेरे ख्याल में लगाए हुए हैं ना। हाँ। तो जी अक्सा को जो है वो बुखार है। अक्सा अक्सा को एक दफा इंजेक्शन लगवा दिया, दवाई ले ली है, सलाम करो, लेकिन बुखार नहीं उतरा रात को। आज रात को बहुत तेज बुखार था इसे। यही दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद।